हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं WWE 2K22 और आज का ये मैच है AJ स्टाइल वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में। और ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, यानी कि एक्सट्रीम रूल्स मैच है। प्लेयर यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्सी, लैडर, चेयर, कुछ भी। तो आज मेरा प्लेयर यहाँ पे AJ स्टाइल, तो देखते हैं हम ब्रॉक लेसनर को यहाँ पे हरा पाते हैं नहीं। बट यहाँ पे भाई ब्रॉक ने कर दिया रिवर्सल और यहाँ पे है ना हम दोनों के पास, यहाँ पे AJ स्टाइल और ब्रॉक के पास, दोनों के पास ही स्टार्टिंग से एक एक फिनिशर होने वाला है। तो देखते हैं पहला फिनिशर यहाँ पे कौन लेता है। बट फिलहाल तो AJ स्टाइल की पिटाई चल रही है भाई यहाँ पे। और अभी ब्रॉक ना यार बस ना यार अपने वो सुप्लेक्स सिटी वाला ड्रामा ना शुरू कर दे यार, काफी तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे ब्रॉक ने एक बार फिर से रिवर्सल कर दिया यार। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि ना यहाँ पे ब्रॉक को मारूं, बट यहाँ पे उसने दोबारा से रिवर्सल कर दिया और अभी यहाँ पे मेरी भाई पिटाई चल रही है। और भाई यहाँ पे ना मेरी पावर यहाँ पे बिल्कुल उसने रेड कर दी और अभी ब्रॉक की पावर ना देखा जाए तो बिल्कुल ही ग्रीन है। बट यहाँ पे AJ स्टाइल की भाई पावर एकदम रेड कर दी, यानी कि जिससे पता चलता है भाई ब्रॉक को यहाँ पे कितनी तगड़ी पावर दे रखी है। बट अभी यहाँ पे भाई मैं अपना फिनिशर लेने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ, बट भाई ब्रॉक ने यहाँ पे कर दिया रिवर्सल और यहाँ पे भाई मेरा फिनिशर तो यहाँ पे खराब हो चुका है। और यहाँ ब्रॉक भी फिनिशर लेने का ट्राई कर रहा था बट मैंने यहाँ पे सही टाइम पे रिवर्सल कर दिया और यहाँ पे उसका ही फिनिशर भाई खराब हो चुका है। और यहाँ पे ना मेरे पास तो एक फिनिशर भाई शायद से बन चुका है बट ब्रॉक ने वो भाई यहाँ पे लगा दिया, इसने जर्मन सुपलेक्स लगा दिया है। ब्रॉक के पास अभी कोई फिनिशर नहीं है। चलो मैंने भी यहाँ पे रिवर्सल कर दिया भाई, टांग पकड़ के इसको दोबारा से मैंने यहाँ पे गिरा दिया है। और एक और बार मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ अपना फिनिशर लेने का, अगर ये फिनिशर अभी लग गया ना तो ब्रॉक भाई यहाँ पे हार भी सकता है। देखता हूँ भाई फटाफट से यहाँ पे फिनिशर लगाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से कवर कर दूंगा ताकि इसको ज़्यादा टाइम ही ना मिल पाए मूवमेंट करने का। तो आप भाई पिनफॉल शुरू, 1-2 हारेगा क्यों नहीं भाई। यहाँ पे ब्रॉक ने कर दिया है रिवर्सल, मुझे ऐसा लगा था कि ना यहाँ पे भाई ब्रॉक निकल लिया, यहाँ पे टंग से पड़ा था उसके, बट इंपैक्ट शायद से ज़्यादा नहीं पड़ पाया यार। यहाँ पे उसने कर दिया है कि काउट और दोबारा से खड़ा हो गया है। चलो भाई अब यहाँ पे ना इसका डोमिनेशन चलने वाला है। मैं जाता हूँ बाहर से और यहाँ से ना भाई कुछ निकाल के लाओ क्या। चलो मैं भाई नीचे से ना कुछ निकाल के लाता हूँ, क्या मिला। ओके तो चलो यहाँ पे भाई चेयर ले लेते हैं, चेयर से भी इसको मारेंगे क्योंकि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है तो यहाँ पे ना चेयर का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। चलो भाई ले, ओ भाई यहाँ पर इसके शायद से इसके सर पर लगा। और मैं यहाँ पर भाई इसकी बॉडी भी यहाँ पे रेड होना शुरू हो चुकी है, मेरी पावर अब लगभग यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। और भाई यार ये कहाँ पे मार दिया, एक और यहाँ पे चेयर इसको पड़ चुकी है, बट भाई अब इसने चेयर यहाँ पे गिरा दिया। बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, अभी यहाँ पे ना AJ स्टाइल का मतलब मेरा यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ही पूरा डंका बस रहा। और यहाँ पे भाई इसकी नक्सोड़ी फोड़ने का इरादा है मेरा, बट भाई यहाँ पे ना चेयर यार उठ नहीं रही यार। मैं यहाँ पे कॉर्नर से ट्राई कराऊँगी दोबारा से, मैं यहाँ पे चेयर को उठाऊँ बट चेयर उठ नहीं रही थी। और भाई दोबारा से ब्रॉक ने यहाँ पे रिवर्सल करा, ओके तो मैंने यहाँ पे रिवर्सल कर दिया। मेरी भाई हाथ पकड़ के मोड़ रहा था बट मैंने सही टाइम पे यहाँ पे रिवर्सल कर दिया। और मेरे पास ना यहाँ पे एक फिनिशर है भाई, एक फिनिशर यहाँ पे लग जाना चाहिए। बट मैं पहले यहाँ पे भाई चेयर तो उठ नहीं रही है, देखता हूँ मैं कुछ और निकालने का ट्राई करता हूँ। बट यहाँ पे भाई एक और फिनिशर पड़ गया, फिनिशर था ये भाई, पता नहीं गया था मुझे तो ऐसे लगा, बट यहाँ पे फिनिशर था। चलो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, ओके तो 2 हो गया है भाई। ये फिनिशर तो नहीं था, मुझे तो लगा शायद से कोई नॉर्मली मूव ले रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे ये कुछ फिनिशर टाइप सा लग गया यार भाई, जो भी हुआ बट मस्त था ये। बट मैं नीचे देखता हूँ यार कुछ और मिल जाए। तो यहाँ पे ना भाई चेयर तो नहीं है, ओके तो यहाँ पे भाई बेस बल्ला मिला, यानी कि स्टिंग वाला बल्ला यहाँ पे मिला, इसी से इसको मारता हूँ। चलो भाई ऊपर आ जा दोबारा से, नीचे यहाँ पे फाइट नहीं होने वाली है, ऊपर आ जा फटाफट से। ओ भाई सर पर पड़ा इसके, बट अभी ना यहाँ पे इसका भाई ब्लड नहीं निकल रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा इसके चेयर पड़ी है, यहाँ पे डंडे पड़े हैं, पटकियाँ पड़ी है, स्मैक पड़ा है, पर अभी तक ना इसका यहाँ पे ब्लड नहीं निकला। ओ भाई यहाँ पे इसने फिनिशर लगा रखा है, नहीं चलो यहाँ पे फिनिशर नहीं है क्योंकि इसके पास अभी भाई एक भी फिनिशर है भी नहीं। यहाँ पे ब्रॉक के पास फिनिशर होता ना तो मेरे लिए यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो जाती, बट यहाँ पे भी उसके पास फिनिशर नहीं है। चलो भाई दरा गुड का यहाँ पे उसको कर दिया है भाई एक और बार से रिवर्सल। और अब यहाँ पे ब्रॉक ने उठा लिया था भाई बेस बल्ला, सही टाइम पे मैंने उसको उठा के पटक दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रॉक का तो अभी भाई पूरा यहाँ पे डोमिनेशन चला, बट यहाँ पे भाई किसकी एंट्री हो गई, ओके वो भाई यहाँ पे जॉन सीना की एंट्री हो गई। बट जॉन सीना पे भाई रिंग में मेरी फीट फाइट के बीच में यहाँ पे क्या करने आया है वो, ओके तो जॉन सीना मुझे अभी दिख नहीं रहा, शायद से वो कहीं पीछे से वार करेगा। बट भाई जॉन सीना तो यहाँ पे नहीं आया, बट ब्रॉक यहाँ पे खड़ा हो चुका। और यहाँ पे भाई ब्रॉक ने कमा रोल, यानी कि उसने अपना सबमिशन होल्ड कर दिया है, मुझे इससे बच के निकलना होगा। बट भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है क्योंकि ब्रॉक ने एकदम एक्सट्रीमली यहाँ पे कस के यहाँ पे लॉक लगा दिया। बट भाई मैं पूरा यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ इससे निकलने के लिए। चलो भाई यहाँ पे फाइनली यहाँ पे निकल चुका, मैंने यहाँ पे कर दिया रिवर्सल ब्रॉक के भाई यहाँ पे सबमिशन से बच चुका हूँ फाइनली। बट भाई मुझे समझ नहीं आया जॉन सीना अगर उसको रिंग में आना ही था तो वो रिंग में आया क्यों नहीं, वो आया किस लिए था, खाली उसने अपनी भाई ट्यून सी बजा दी और यहाँ से वो मतलब मेरे को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। चलो मैं अपने यहाँ पे भाई फिनिशर लगाता हूँ, फाइनल फिनिशर एक बार लगा के देखते हैं। चलो भाई पड़ गया इसके भाई नक्सूड़ी पे, शायद से भी हार मान जाए फटाफट से। मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, फाइव रेफरी बजा दे, 1-2-3, 2-3 होगा क्या, वो भाई यहाँ पे किक आउट कर दिया एक बार फिर से, यहाँ पे किक आउट कर दिया। ब्रॉक के पास भी अब भाई एक फिनिशर है, मुझे फटाफट से ना यहाँ पे इसका भाई काम तमाम करना पड़ेगा क्योंकि ना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भाई मैंने अपना फिनिशर मारा तो यहाँ पे ये हार मान ही जाएगा, बट यहाँ पे नहीं माना ये हार, अब भाई लंगड़ा हो चुका है। और अब भाई ये जो स्टाइल को यहाँ पे आ चुका है गुस्सा। और अब एक और बार से यहाँ पे भाई बेस बल्ला उठाता हूँ, थोड़ी सी और इसकी ना पिटाई करते हैं।
फिर हमारे पास यहाँ पे भाई फिनिशर भी अभी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे इसके एक फिनिशर लगाएंगे। बट भाई यहाँ पे ना इसका फिनिशर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर इसने फिनिशर लगाया ना तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और मैं यहाँ पे किक आउट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी पावर भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे इसने डैमेज कर रखी है। चलो भाई यहाँ पे इसके रिवर्ट पट की पड़ चुकी है, मैं लेता हूँ अपना यहाँ पे फाइनल फिनिशर। चलो भाई ये लगा इसके फाइनल फिनिशर, अब देखते हैं भाई यहाँ पे हार मानता है नहीं, मैंने कर दिया यहाँ पे कवर 1 2 3। ओके तो यहाँ पर भाई फाइनली ब्रॉक लेसनर को हरा दिया है हमने, और हमने जीत लिया है इस मैच को। भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मतलब डेंजरस मैच था यार, बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ पे। जे शैलू काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब उसने चेयर से मारा, बेस बल्ले से मारा, पटकिया ली, बट फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। फाइनली फिनिशर से उसको हरा दिया हमने ब्रॉक लेसनर को। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, ख्याल रखिए अपना, और जॉन सीना क्यों आया था भाई पता लगे ज़रूर बताना।